दीन अपनी जिंदगियों से निकाल दोगे ना मेरे भाई, कुछ भी नहीं बचेगा। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी, इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनके पास जनरल नॉलेज किसी भी तरीके का नहीं है। यू आर राइट ब्रो। वो गांव देहात की जो बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई होगी ना, वो फिर भी अदब तमीज से रह लेगी। हम अपने आप को गला फाड़ फाड़ करके डिग्रियां लेकर के शिक्षित होकर के ये डिफाइन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम आवारा नहीं है, नहीं हम आवारा नहीं है, हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं, हमें आवारा होना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी इज्जत अपना वकार चाहिए। पर दूसरी तरफ ऑन दी अदर है, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, वो इस जिद में है कि नहीं हम साबित करके रहेंगे कि तुम आवारा हो। ये सब टोपी ड्रामे है कि एजुकेशन वेल एजुकेशन तो फिर से मिच्योर होगा, ये मिच्योर हुआ क्यों नहीं है भाई? इन पगलिस्तानियों को ये भी नहीं पता है कि कुरान क्या बोल रहा है, ये भी नहीं जानते। जितनी ज्यादा एजुकेटेड होगी उतनी बदतमीज होगी, माजरत के साथ वो खवातीन जो बयान नहीं सुन रही उनके अलावा। इन्होंने थूक लगा करके कुरान के वो पन्ने पढ़े हैं जिसमें बताया गया 4 बीवी रख सकते हो। हमारे एक दोस्त की 2 बीवी हैं, दोनों गांव की देहाती हैं, बहनों की तरह रह रही हैं घर में। वो कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जहां पर अच्छी बातें तालीम की बातें, जहां पर खूबसूरत बातें लिखी हुई है वो नहीं पढ़ेगा। आखिर उसी मजहब की किताब में 800 बार इल्म की बात भी लिखी हुई है। माँ बाप ने सारा जो है ना एजुकेशन को फोकस किया हुआ है। 306 बार मानवता की बात भी लिखी हुई पर वो तो नहीं मानते। तो इसका मतलब है कि इन्होंने थूक लगा के पढ़ा है। जहाँ पर ठर की बातें हमको वही पढ़ना है, और जन्नत में 72 वर्जिन हुरे मिलेंगी, औरत जो है वो अय्याशी का सामान है, औरत को तुम बिस्तर पर ले जाओ, लाइट ऑफ कर दो, 4-4 बीवी को एक साथ नंगा करो, ये सिर्फ वही पढ़े हैं। इन्होंने थूक लगा करके कुरान के उसी पन्ने को पलटा है जिसमें ठरकबाजी की बात लिखी हुई है। दुआ मांगता था अल्लाह हूर दे दे, हूर दे दे ना, आप दो ना, आप दो ना, हूर दे दे, हूर दे दे, हूर दे दे, जहन्नमी 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 जहन्नमी। कोई फाहिशा औरत आ गई, कौन है भाई के हूर आई हूँ, उससे ताल्लुक कायम किया, रहा नहीं जाता, तड़प ये भी है ना भाई, आसमान से कोई हूर आई है, कहते हैं सुलेमान लेते हूँ, तो बड़ा खुश हो गया कि मुझे कहाँ से आसमान से क्या मिल गई है, हूर हो, आओ मुझे पकड़ लो। फिर दूसरी औरत आई, कौन आई है, हूर आई हूँ, अच्छा भाई चलो भाई, उससे भी दोस्ती लगा ली। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने, क्या साबित करना चाहता है तू, क्या साबित करना चाहता है तू। तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, उसके बाद एक और औरत आई, कौन है भैया, हूर आई हूँ, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, सारी हूरें मेरे मुकद्दर में लिखी हुई है क्या, मैं नहीं बताऊंगा, और दुनिया में कोई और नहीं है जिसको हूर मिलेगी, बस कर का। देखो ये लोग सुबह सुबह उठ करके गधे का सुसु पीता है और घर में जो कचरा फेंकने के लिए हम लोग डस्टबिन में रखते हैं ये लोग वो कचरा खाता है, तो इनके दिमाग से सिर्फ कचरा निकलता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। 9-9 साल की बच्ची को कंधे पे उठा करके ले जा करके बलात्कार करते हैं और एक अरबिक वर्ड बोल देते हैं, निका मुत्ता अरबिक वर्ड बोल देते हैं, उसमें इनका सारा बुराई इनकी सारी अश्लीलता को ये अरबी वर्ड दे करके छुपाना चाहते हैं। सही बात है यार, हम निकाह मुत्ता होता है वो क्या होता है, निकाह मुत्ता होता है प्लेजर ऑफ सेक्स मैरिज फॉर द टाइम बीइंग, कुछ लम्हे के लिए आप सेक्स प्लेजर लेने के लिए किसी को निकाह में ले सकते हैं और फिर उसको कॉम्पनसेशन पैसे से या जमीन से या सोने चांदी से कॉम्पनसेशन दे करके आप वो उसको तलाक दे करके छोड़ सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। निकाह मुत्ता जिंदगी भर के लिए नहीं होता है, वो प्लेजर सेक्स फॉर द टाइम बीइंग ही होता है। जैसे रिक्शा वाला ठेला वाला दिन भर बहुत मेहनत करता है, उसकी बीवी जो है बिहार में रहती है या कहीं रहती है, तो वो क्या करेगा, वो चला जाता है चकला प्रोस्टिट्यूट एरिया, पैसे देता है, उसके बाद फिजिकल रिलेशन करता है और फिर चला आता है। तो सेम चीज है। मानो मैं किसी मुसलमान मर्द को बहुत पसंद आ गई पर वो पहले से शादीशुदा है, उसके घर में बीवी बच्चे हैं और वो नहीं चाहता है कि वो दोबारा शादी करके वो किसी लड़की की जिम्मेदारी पूरी जिंदगी उठाए, तो वो निकाह मुत्ता पर जाएगा और निकाह मुत्ता करके वो उसके साथ 2 घंटे 2 दिन 2 महीने का एक अग्रीमेंट बनता है, उसके साथ वो सेक्स करेगा, उसका मन जब भर जाएगा तो वो या तो गायब हो जाएगा या तो प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट को वो कैंसिल करेगा और कॉम्पनसेशन देगा और या तो फिर वो गायब हो जाएगा। जैसे ईरान में एक नाइजेरियन मुस्लिम के साथ बहुत ज्यादा हुआ था एक जमाने में, 1999 की बात आप अगर निकालिएगा, 1997 से लेकर के 1999 तक में, तो ईरान में नाइजेरियन मुसलमानों के साथ ये बहुत हुआ था, जिस पर काफी डॉक्यूमेंट्री मूवीज भी आई थी, तब जाकर के
ईरान की सरकार ने इस चीज को कंट्रोल किया था और बाहर से आए हुए लोगों का एयरपोर्ट पे ही ईरान में कैमरा वैमरा चेक किया जाता था कि सब आते हैं बाहर से और निकाह मुत्ता प्लेजर ऑफ मैरिज का के विक्टिम से मिलते हैं और फिर दुनिया को जाकर के बताते हैं कि ईरान और पाकिस्तान में निकाह मुत्ता बहुत होता है। तो वो लोग काफी इंक्वायरी करते थे कि जैसे हम जैसे लोग पहुंच गए हैं तो हम लोग दूसरे शक्ल सूरत के हैं, तो वो लोग बहुत इस चीज को नोटिस करते थे कि ये फिर यहाँ की बातों को पूरी दुनिया को बताएगा। तो काफी सारे मुस्लिम नाइजीरियन हैं, काफी सारी मुसलमान लड़कियां हैं, जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज, पाकिस्तान में माइनॉरिटी कौन है, सिख है, ईसाई है, हिंदूज हैं, तो हिंदुओं की बच्चियों को 9 साल की, 8 साल की, 12 साल की, 13 साल की, मतलब वो सलवार ही देखता रहता है कि कब पीरियड्स होगा और हम निकाह मुत्ता करेंगे। ठीक है, वो लड़कियों के सलवार की तरफ उसका निगाह रहता है कि पीरियड्स होने के बाद हम निकाह मुत्ता करेंगे। तो हमें हमारे यहाँ भारत में पॉक्सो एक्ट में वो आ जाएगा, उसको जेल हो जाएगी और नॉन बेलेबल सेक्शन पे पॉक्सो एक्ट में जेल हो जाएगी इफ यू आर हैविंग सेक्स विद माइनर गर्ल्स, क्योंकि हमारे हमारे आईपीसी के सेक्शंस बताती है कि कंसेंशुअल सेक्स जब होता है, जब लड़की अडल्ट हो जाती है, मच्योर हो जाती है, जब वो वोट देने के काबिल हो जाती है, तो 18-19 साल की उम्र में हमारा कंसेंशुअल सेक्स हो सकता है, लेकिन जब तक हम माइनर में आ रहे हैं तब तक कंसेंशुअल सेक्स नहीं होता है, वो पॉक्सो एक्ट में आता है। और जो नॉन बेलेबल सेक्शन है जिसमें किसी कोई बेल ही नहीं है, कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है बेल की, और ये भी कानून कब बना, जब मोदी जी की सरकार आई। तो पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ निकाह मुद्दा बहुत होता है, जब लड़कियों की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब 9 साल की बच्ची के साथ 50 साल का, 52 साल का, 40 साल का आदमी सेक्स करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो मरेगी, और अगर किसी की मौत हो जाती है या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाती है तो जब डॉक्टर्स को पता चलता है और ये मैटर पुलिस तक जाता है तो पाकिस्तान की सरकार के पास, पाकिस्तान के कोर्ट के पास खड़े होकर के बेल मर्दों को इसी और या बूढ़े जईफ मर्दों को इसी बात पे मिलता है कि मैंने तो इस्लामिक तरीके से इसके साथ निकाह मुत्ता किया था, मैंने सेक्स किया और मैंने छोड़ दिया, तो पाकिस्तान के कोर्ट में उनको बेल मिल जाता है, आराम से बेल मिल जाता है। तो निकाह मुत्ता जो है वो कुरान के वर्सेस 24 और सूरह नंबर 4 में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैंने इसलिए आपको कुरान का वर्सेस भी बताया है और सूरह भी बताया है ताकि आपको कोई ट्रोल ना करे। मुत्ता इज अ कंसेप्ट दैट कुरान वर्सेस 24 ऑफ सूरह, कुरान वर्सेस 24 ऑफ सूरह नंबर 4 एक्सप्लेन दैट अ मैन कैन एंटर अ टेम्पररी मैरिज लाइक रिलेशनशिप एंड द वुमेन रिसीव फाइनेंशियल कंपनसेशन, दिस इज कॉल्ड निकाह मुत्ता। मतलब कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए आप एक लड़की को खरीदिए, उसके साथ सेक्स का प्लेजर लीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। भारत में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जोड़ा आवेसी है, ये लोग क्या बोलते थे, जैसे ही बात आई कि लड़की का जो एज है शादी का वो बढ़ा दिया जाएगा, अब 18 नहीं रखा जाएगा, 21 रखा जाएगा, तो सारे दाढ़ी टोपी वालों ने क्या कहा कि 12 साल के बाद अगर लड़की की शादी नहीं होगी तो वो आवारा हो जाएगी। तो इतने अश्लील अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके, वो भी हमारे ही धर्म के मौलवी मुल्ला, हमें ही एसेसिनेट करते हैं, हमें ही डिफेम करते हैं और हमें एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिए हैं पूरे भारत में, मानो जैसे कि हम सेक्स के लिए तरस रहे हैं पैदा होते के साथ ही, माँ के कोख से निकलते के साथ ही, कि बस मुझे मेंस्ट्रुएशन हो, मेरा पीरियड्स स्टार्ट हो, मैं 12 साल की हो जाऊं और मेरी शादी करो, नहीं तो मैं मुंह मारना स्टार्ट कर दूंगी। और वरना साजिद रशीदी तो और भी बड़ी बात बोल देते हैं कि बकरा और कुत्ते से सेक्स करवा लेती हैं लड़कियां अगर उनकी शादी ना की जाए, तो वो तो और भी मतलब बुरा हम लोगों को साबित कर देते हैं। मतलब मुसलमान लड़कियों को भारत से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, ईरान से ईरान तक में इतना ज्यादा एसेसिनेट कर दिया गया है, इतना ज्यादा लूज कैरेक्टर साबित किया गया है कि लड़कियां हिजाब नहीं पहनेंगी तो आवारा हो जाएंगी, लड़कियां जीन्स पहन लेंगी तो आवारा हो जाएंगी, मुसलमान की लड़कियां अगर हंस देंगी तो आवारा हो जाएंगी, शिक्षित हो जाएंगी तो आवारा हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी पढ़ने के लिए तो आवारा हो जाएंगी, 12 साल की उम्र में अगर शादी नहीं करेंगी तो आवारा हो जाएंगी, शादी के बाद तुरंत सेक्स नहीं करेंगी तो आवारा हो जाएंगी, सेक्स करने के बाद तुरंत बच्चा नहीं पैदा करेंगी तो आवारा हो जाएंगी। मतलब हम हर एक सेकंड के बाद आवारा हो जाते हैं इस्लाम के हिसाब से और इस्लाम के मानने वालों के हिसाब से। हमारी कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, हम माँ के कोख से आवारा पैदा ही हो जाते हैं,
ये दाढ़ी टोपी वालों के हिसाब से, मानो जैसे हम दिन रात माँ के कोख में 9 महीने ये दुआ करते हैं कि हमें बाहर निकालो, मेरा पीरियड्स करवाओ, चाहो तो उंगली डाल के पीरियड्स करवा दो और उसके बाद फिर हमारा निकाह करवा दो ताकि हम आवारा नहीं हो जाए। तो हमें बहुत बुरे बुरे तरीके से कटघरे में खड़ा किया गया है। और पाकिस्तान, भारत और ईरान, इजिप्ट वगैरह में, इजिप्ट तो फिर भी बहुत फैशनेबल है, तुर्की बहुत फैशनेबल है, यूएई बहुत फैशनेबल है, बहरैन बहुत फैशनेबल है, कतर बहुत फैशनेबल है। मैं स्पेसिफिकली भारत और पाकिस्तान के बारे में और ईरान के बारे में बात करूंगी कि ये तीन देश ऐसा है जहां पर मुसलमान लड़कियों का सांस लेना भी उसकी आवारगी की निशानी होती है, मुसलमान लड़कियों का शिक्षित होना भी उसकी आवारगी की निशानी होती है। हमारे जुल्फ खुल जाते हैं, हमारे हेयर खुल जाते हैं तो भी हम आवारा हैं। अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, तो भी मैं आवारा हूँ इस्लाम के हिसाब से। आई स्वेयर मैं आवारा हूँ क्योंकि मैं बहुत खुलकर बात कर रही हूँ। तो मैं कोई एक बहुत संजीदा और इस्लामिक लड़की नहीं हूँ, मैं इस्लाम के हिसाब से एक आवारा बच्चलन लड़की हूँ क्योंकि मैं कुरान को डिफाइन कर रही हूँ तुम्हारे सामने। हमें इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि मैं कुरान पढ़ करके सच किसी से बात कर सकूं, मैं सच बोल सकूं, मैं दुनिया को बता सकूं कि मेरे इस्लाम ने मुझे क्या रुतबा दिया है, मेरे इस्लाम ने मुझे क्या प्लेटफॉर्म दिया है। बेसिकली इस्लाम में लड़कियां आवारा हैं। हम अपने आप को गला फाड़ फाड़ करके, डिग्रियां लेकर के, शिक्षित होकर के ये डिफाइन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम आवारा नहीं है। हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं। हमें आवारा होना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी इज्जत, अपना वकार चाहिए। पर दूसरी तरफ ऑन दी अदर है, जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, वो इस जिद में है कि नहीं, हम साबित करके रहेंगे कि तुम आवारा हो। तो दिस इज कॉल्ड इस्लाम। महमूद मदनी ने कहा था, औरत जो है वो खेत है, कि तुम अपनी खेती में किसी भी रास्ते से जा सकते हो। और महमूद मदनी ने ये भी साफ तरीके से कहा है कि जब फसल देना बंद कर देती है और 80-85 साल तक मुसलमान मर्द जवान रहता है, इसलिए हमें दूसरे खेत में जाना पड़ता है, दूसरी शादी करनी पड़ती है अपना फसल निकालने के लिए। खेत को तो कभी कभी गाय दूसरी गाय भी चढ़ जाती है। अल्कोहल है वो मैंने जहां तक सुना है कि इस्लाम में हराम है, इवन उसमें सनातन में भी वर्जित है। लेकिन किसी मतलब मौलाना से क्वेश्चन पूछा किसी ने कि जो परफ्यूम होती है उसमें अल्कोहल होता है, वो लगाकर क्या नमाज पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो पहले अल्कोहल बनता था वो खजूर और अंगूर से बनता था, तो वो हराम था, लेकिन अभी खजूर और अंगूर इतने महंगे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते अल्कोहल बनाने में, तो अभी पता नहीं किससे बनती है, उन्होंने नहीं बताया अल्कोहल किससे बनती है, तो वो लगाकर आप जा सकते हैं। कहते हैं जी अल्कोहल वाले जितने स्प्रे और परफ्यूम हैं क्या उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इससे नमाज पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं? जरा सुनिए जी, अल्कोहल वाले जितने भी परफ्यूम है सब इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? वो अल्कोहल जो नापाक है वो सिर्फ वो अल्कोहल है जो खजूर या अंगूर की बनी हुई हो। बाबा! तो आजकल अल्कोहल कोई भी खजूर या अंगूर की नहीं बनती। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है वो। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? आम अल्कोहल जितनी भी है वो खजूर अंगूर के अलावा चीजों की बनती है। ठीक है जी, लिहाजा अल्कोहल का खारजी इस्तेमाल बिल्कुल जायज है। तब्दीली आ गई, इसमें इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं है। तो फिर खजूर और अंगूर खाते क्यों हैं? इवन जब हम रोजा रखते हैं तो हम तो रोजा स्टार्ट ही करते हैं अजान के बाद, तो हम अजान अल्लाह हू अकबर जैसे ही होता है तो हम तो खजूर से ही खोलते हैं। तो मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, पता नहीं कौन बंदर छाप मौलाना है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो बताना चाहिए था ना कि चिड़ीमार मौलाना के बारे में बात कर रही हो, दांत खाज खुजली और ये पुट्टी वाले मौलाना के बारे में बात कर रही हो, कुंभकर्ण साला। मुझे तो उसको देखने से ही लगता है कि पहले कुत्ते से ना चप्पल पे मुदवाए और उसके बाद फिर उसके मुंह में मारूं मैं मुफ्ती तारिक मसूद के। मैं सिर्फ अपने पैर के चप्पल को निकाल करके उसके मुंह पे मारना नहीं चाहती हूँ, मैं पहले अपने चप्पल पे ना कुत्ते से मुतवाना चाहती हूँ और उसके बाद फिर उसके मुंह पर वो मारना चाहती हूँ। देखो कुरान और सही अल बुखारी हदीस जो है उसका ये कहना है कि अगर कोई औरत, मर्द अगर सेंट लगा रहा है और औरत अगर अपने हस्बैंड के साथ निकल रही है परफ्यूम लगा करके अल्कोहल वाला, तो वो अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ निकल सकती है। लेकिन अगर वो अकेले निकल रही है
परफ्यूम लगा करके, तो मरने के बाद उसको प्रोस्टिट्यूट की नजर से देखा जाएगा। ये कुरान कह रहा है, अपने तन बदन का गंध सबको बिखेरिए लेकिन आप परफ्यूम नहीं लगा सकती हैं। अगर मैंने परफ्यूम लगा लिया तो मैं मरने के बाद मुझे प्रोस्टिट्यूट के लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। और मर्द लगा सकते हैं, मर्द के लिए एवरीथिंग इज जायज, औरत के लिए एवरीथिंग इज नाजायज। औरत कुछ भी कर ले तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, और मर्द कुछ भी कर ले तो इस्लाम और खूबसूरत हो जाता है। अल कुरान के हिसाब से औरतें मुकम्मल पाक भी नहीं होती हैं, हम मुकम्मल कभी भी पाक नहीं होते हैं। अल कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, हदीस के हिसाब से, सही अल बुखारी के हिसाब से, मतलब जितने भी इस्लामिक किताबों को आप उठा करके देख लोगे तो हम मुकम्मल पाक तक नहीं होते हैं। हम बहुत गए गुजरे चीज हैं इस्लाम के हिसाब से। इस्लाम के हिसाब से औरत होना मतलब जुर्म होना है। उफ, 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 क्या जुल्म ढा दिया। वुमेन राइट्स की बात आती है ना तो मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हूँ, आंख भर जाती है मेरी, अभी भी आंख भर गई है। इस्लाम में महिलाएं हैं, उनके लिए आप इतना मतलब आवाज उठाती है, इतना कुछ करती है, उसके बावजूद भी एक मतलब फीमेल है आईडी वो गाली देकर जाती है। मुझे समझ में नहीं आता भाई, आपके लिए तो भलाई कर रही है। मुस्लिम एक एक लड़कियों औरतों से तुम मिलोगी ना तुम अपना सिर फोड़ दोगी। वो सीधा कहती हैं, हाँ ठीक है मेरे हस्बैंड 4 शादी करते हैं तो करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इस्लाम प्यारा है। तो नहीं मेरी जान चले जाएगी ना, कौन ठीक करेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, बट आई एम डूइंग माई वर्क। मुझे लगता है कि सब तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, सबके पास ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, इतना तो आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट।